नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मृदुल सुंदेल। मध्य प्रदेश के गुना से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। यहाँ जवान बेटे की मौत के बाद जब शव को घर तक ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला, तब एक बेबस पिता ठेले पर रखकर शव को घर तक लाया। दरअसल गुना में एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे के डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है, जहाँ एक युवक की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, तो मृतक के पिता को अपने बेटे का शव ले जाने के लिए किराए पर ठेला लेना पड़ा। इस ठेले से पिता अपने जिगर के टुकड़े के शव को घर तक ले गया। आपको बता दें, गुना जिले के कुमराज थाना क्षेत्र में संदेहास्पद स्थिति में नितेश राव नाम के युवक की मौत हो गई थी। वहीं उसे जल्द से कुमराज अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना 29 मार्च की है। अस्पताल में पिता ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। बेटे के शव को घर ले जाने के लिए पिता को एम्बुलेंस भी नहीं मिली। वहीं मजबूरी में बुजुर्ग पिता ने किराए पर ठेला लिया और फिर उस पर अपने बेटे का शव रखकर अपने घर ले गया। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो अगले दिन युवक का पोस्टमार्टम किया गया। कुमराज हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर की इस मामले में दलील थी कि शव देरी से लाया गया था, इसलिए बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।